नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया रात्रि विश्राम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गोरखपुर में सीएम योगी ने किया रात्रि विश्राम। अनुराग ठाकुर ने भी मंदिर में किया विश्राम। महाराणा प्रताप कॉलेज के कार्यक्रम में जाएंगे योगी, शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया रात्रि विश्राम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अनुराग ठाकुर ने भी मंदिर में किया विश्राम। महाराणा प्रताप कॉलेज के कार्यक्रम में जाएंगे सीएम योगी, शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया रात्रि विश्राम, अनुराग ठाकुर ने भी मंदिर में किया विश्राम। महाराणा प्रताप कॉलेज के कार्यक्रम में जाएंगे योगी, शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे योगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया रात्रि विश्राम, अनुराग ठाकुर ने भी मंदिर में किया विश्राम। महाराणा प्रताप कॉलेज के कार्यक्रम में जाएंगे योगी, शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे योगी। बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से, जहां पर बीती रात सीएम योगी अनुराग ठाकुर ने गोरखपुर में ही विश्राम किया है। साथ ही आज उनके कार्यक्रम है, महाराणा प्रताप कॉलेज के कार्यक्रम में जाएंगे सीएम योगी, शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जनता को कई सौगातें दे सकते हैं। गोरखपुर से हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, आज के कार्यक्रम की क्या कुछ जानकारी सीएम योगी की? देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का आगमन हुआ, उसके बाद वो जो दूरदर्शन केंद्र है जो उच्च कोटि क्षमता का, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर और रात्रि विश्राम उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में किया। सुबह उन्होंने दर्शन का कार्यक्रम किया, जहां दूर दराज से फरियादी आए हुए थे और उनकी फरियाद सुनने के साथ अधिकारियों को उसके निस्तारण का निर्देश भी दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराणा महाप्रताप जो वार्षिक उत्सव सम्मेलन होता है उसमें शामिल होंगे और वहाँ गरीब जो लोगों में कम्बल वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो आज जो वार्षिक सम्मेलन महाराणा प्रताप जी का चलता है उसमें वो शामिल होंगे और माना जा रहा है कि जो केंद्रीय सूचना मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, वो भी उनके साथ मौजूद रह सकते। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर में हमारे संवाददाता गोविंद जुड़े थे गोरखपुर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। शराब की दुकानों का लाइसेंस देने पर मांगा जवाब, स्कूल अस्पताल के पास लाइसेंस देने पर मांगा जवाब, अधिवक्ता की पीआईएल पर कोर्ट ने मांगा जवाब। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। शराब की दुकानों का लाइसेंस देने पर मांगा जवाब, अधिवक्ता की पीआईएल पर कोर्ट ने मांगा जवाब। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सरकार से जवाब मांगा गया है, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। शराब की दुकानों का लाइसेंस देने पर मांगा गया है जवाब, स्कूल अस्पताल के पास शराब की दुकानों को लाइसेंस देने पर जवाब मांगा गया है, अधिवक्ता की पीआईएल पर कोर्ट ने मांगा है जवाब। गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम, 7 दिसंबर को पीएम मोदी जाएंगे गोरखपुर, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, 9600 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 7 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, 9600 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम, 7 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं को करेंगे समर्पित, 9600 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 7 दिसंबर को पीएम का दौरा निर्धारित, कई परियोजनाओं को समर्पित करेंगे, 9600 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, 7 दिसंबर को पीएम मोदी का दौरा निर्धारित, कई परियोजनाओं को करेंगे समर्पित, लगभग 9600 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात।
फरुखाबाद में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही फरुखाबाद से, दिन दहाड़े सैलून की दुकान में घुसकर की मारपीट। दुकान में तोड़फोड़ करके दबंगों ने पैसे लूटे। दुकानदार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने पीड़ित को थाने से भगाया। कमालगंज क्षेत्र का पूरा मामला। बाद में दबंगों के हौसले बुलंद। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिन दहाड़े सैलून की दुर्घटना, दुकान में घुसकर की मारपीट। दुकान में तोड़फोड़ करके दबंगों ने लूटे पैसे। दुकानदार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने पीड़ित को थाने से भगाया। कमालगंज क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सैलून की दुकान में तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद जब शिकायत दर्ज कराई थाने में तो पीड़ित को ही भगा दिया गया थाने से। इस खबर पर वैसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, क्या है पूरा मामला, किस वजह से की गई मारपीट? जी, ये थाना कमालगंज के कस्बा कमालगंज के क्षेत्र का ही एक मामला आया हुआ है, जहाँ पर सैलून में दबंगों ने मारपीट की, उसके बाद जो सामान था उसको तोड़ दिया और गोलक से रुपए भी लूट लिए गए थे। पीड़ित द्वारा जब पुलिस को सूचना दी गई, थाने में जाके अपनी प्रार्थना पत्र दिया गया, तो पुलिस ने वहां पर उल्टा प्रार्थना पत्र लेने की बजाय इसको ही भगा दिया। तो पीड़ित की ना ही शिकायत दर्ज हो पाई है और ना ही कुछ उस पर कार्रवाई हो रही है और वहाँ पे अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है और दबंगों के अंदर पुलिस का खौफ तो किसी मात्र है भी नहीं। जी, जब पीड़ित को ही पुलिस भगा देगी थाने से तो दबंगों में खौफ कैसे होगा, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, दबंगों के अंदर जनपद में वैसे भी खौफ नहीं है, यहाँ पे घटना लगातार होती रही हैं और पुलिस का ऐसा ढुलमुल रवैया आने से दबंगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सुंदरम जुड़े हैं फरुखाबाद से। तो फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहाँ दिन दहाड़े सैलून की दुकान में घुसकर मारपीट की गई। देहरादून दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता को सौगात देंगे मोदी, 18 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण, 11 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम। देहरादून दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता को कई सौगातें देंगे, 18 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण, 11 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जनता को सौगात देंगे पीएम, 18 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण, 11 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम। बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जनता को सौगात देंगे पीएम मोदी, 18 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, 11 योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। देहरादून दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता को सौगात देंगे मोदी, 18 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी अब देहरादून के दौरे पर जाने वाले हैं, जनता को कई सौगातें देने जा रहे हैं देहरादून, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, साथ ही 11 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे पीएम। तो देहरादून के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे, कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, 11 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं पीएम देहरादून जाकर, साथ ही जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है पीएम के दौरे से संबंधित? जी बिल्कुल, आपको बताओ जिस तरीके से उत्तराखंड में आज पीएम का दौरा, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के अंदर भी काफी जोश देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं के अंदर भी काफी जोश देखा जा रहा है। सभी कार्यकर्ता विभिन्न राज्यों से आज जो है आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और परेड ग्राउंड में आज 1:15 से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आज वो 18 योजनाओं और 18 कार्यों का जो है लोकार्पण करेंगे, जिसमें कई योजनाएं जो देहरादून के लिए और कई उत्तराखंड की जगहों के लिए, और साथ ही साथ ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो तुरंत नजदीक में यहाँ चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी जी, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल बता दो, सुरक्षा की दृष्टि को देखा जाए तो सुरक्षा का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से यहाँ पर तैयार किया है। काफी आला अधिकारी विभिन्न विभिन्न राज्यों से यहाँ बुलाए गए हैं और जिस तरीके से सुरक्षा की बात की जाए तो पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से लेके जाने तक की पूरी व्यवस्थाओं का दौर यहाँ पे रखा गया, साथ ही साथ कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ पर सारे कार्य किए जाएंगे। जी देहरादून के बाद कहाँ जाने वाले हैं पीएम मोदी? बिल्कुल बताओ, देहरादून के बाद सीधा उनका जो अगला जो वापस की रवानगी है वो दिल्ली की है, वो सीधा दिल्ली निकलेंगे यहाँ से। जी जी कितने बजे प्रस्थान करेंगे पीएम मोदी देहरादून से? जी बिल्कुल बता दो कि देहरादून में प्रधान नरेंद्र मोदी जो है उनका 12:15 पे वो जौलीघाट एयरपोर्ट से देहरादून के लिए निकलेंगे, साथ ही साथ उसके बाद वो 1:15 पे जो है वो देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे और 1:25 से 1:30 तक वो अपने कार्यों का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता शुभम देहरादून से जुड़े थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, शराब की दुकानों का लाइसेंस देने पर मांगा जवाब, स्कूल अस्पताल के पास लाइसेंस देने पर मांगा गया जवाब, अधिवक्ता की पीआईएल पर कोर्ट ने मांगा जवाब। देहरादून दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, पीएम के दौरे का कांग्रेस करेगी विरोध। बड़ी खबर सामने आ रही है, युवाओं की अनदेखी का लगाया आरोप, मोदी को काले झंडे दिखाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। बड़ी खबर सामने आ रही है, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मनाएंगे काला दिवस। गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 7 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजना का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, 9,600 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। महोबा में बाइक चोर गिरोह की दहशत, बड़ी खबर सामने आ रही है, महोबा से जेब कतरा गैंग भी हुआ सक्रिय, अखिलेश की रथ यात्रा में जमकर काटी गई जेब, कई लोगों के मोबाइल और पैसे भी हुए चोरी, शहर कोतवाली और कबराई थाना क्षेत्र का मामला, महोबा में बाइक और चोर गिरोह की दहशत, जेब कतरा गैंग भी हुआ सक्रिय, अखिलेश की रथ यात्रा में जमकर काटी गई जेब। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, गर्भवती महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, दर्द से तड़पती रही महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, महिला को गोद में उठाकर वार्ड तक ले गए परिजन, जिला अस्पताल के गेट पर ताला लगा रहा, पूरा मामला जिला अस्पताल का बताया जा रहा। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, हमीरपुर से एक खबर सामने आ रही है जहां गर्भवती महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, दर्द से तड़पती रही महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, महिला को गोद में उठाकर वार्ड तक ले गए परिजन, जिला अस्पताल के गेट पर ताला लगा रहा, बड़ी खबर सामने आ रही है, पूरा मामला जिला अस्पताल का बताया जा रहा। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, गर्भवती महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, दर्द से तड़पती रही महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, महिला को गोद में उठाकर वार्ड तक ले गए परिजन। मैनपुरी में कोरोना ने बरपाया कहर, बड़ी खबर सामने आ रही है, सैनिक स्कूल के 5 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित, 90 बच्चों की हुई थी सैंपलिंग, विद्यालय प्रशासन में मचा हड़कंप, आगरा रोड के सैनिक स्कूल का मामला। मैनपुरी में कोरोना ने बरपाया कहर, बड़ी खबर सामने आ रही है, सैनिक स्कूल के 5 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित, 90 बच्चों की हुई थी सैंपलिंग, विद्यालय प्रशासन में मचा हड़कंप, आगरा रोड के सैनिक स्कूल का मामला।
मैनपुरी में कोरोना ने बरपाया कहर। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सैनिक स्कूल के 5 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। 90 बच्चों की हुई थी सैंपलिंग। 90 बच्चों की सैंपलिंग में 5 बच्चे मिले कोरोना संक्रमित। मिर्जापुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, कार्यकर्ताओं के साथ राधा मोहन सिंह ने की बैठक। 4 घंटे तक बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव की तैयारियों को लेकर दिए दिशा निर्देश। पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक, बड़ी खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, कार्यकर्ताओं के साथ राधा मोहन सिंह ने की बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है, 4 घंटे तक बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।